नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। आइए देखते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। आज से लेकर 21 सितंबर तक एसटीईटी परीक्षा के चलते सभी जिलों में प्रशासन चौकस है। 12 जिलों के 60 केंद्रों पर इसके लिए सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थियों के लिए व्यवस्था की गई है। विदित हो कि हाईकोर्ट ने इस परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। खबरों के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष में भारतीय स्टेट बैंक में 14,000 बहाली का अनुमान लगाया गया है। इससे नए प्रतिभागियों को नियुक्त होने का अवसर मिलेगा। सहायक से लेकर सभी संवर्ग की बहाली होगी। एनसीसी कैडेटों की बहाली को लेकर मुजफ्फरपुर में गहमागहमी का माहौल देखा गया। 32 बिहार बटालियन के ए प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थियों में से 34 की बहाली की जा चुकी है। बहाली की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक चलेगी। इन दिनों राजधानी पटना की पुलिस की सुस्ती का लाभ लफंगे उठाने लगे हैं। विभिन्न क्षेत्रों की कॉलोनियों को टारगेट बनाया जा रहा है। चोरी की घटनाओं की जांच को लेकर भी आम जनता में नाराजगी व्याप्त है। लंबे समय से कोरोना के चलते लॉकडाउन की स्थिति झेल रहे देश के नागरिकों को समय समय पर अनलॉक की खुशी भी मिली है, लेकिन शिक्षा जगत से जुड़े बच्चों को लेकर सरकार, बच्चे और अभिभावक परेशानी झेलते रहे। इस बीच केंद्रीय गाइडलाइंस के मुताबिक 21 सितंबर से 9वीं वर्ग से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई का रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है। सतर्कता भी बरतने की जरूरत है। बिहार में चुनावी माहौल के बीच चुनाव आयोग का भी डंडा चल रहा है। आयोग के आदेश के आलोक में निर्धारित समय सीमा के तहत स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। जिन कर्मियों, अधिकारियों और सरकारी सेवकों का पदस्थापन नए स्थान पर किया गया है, उन्हें 24 घंटे में अपना योगदान देने का आदेश भी दिया गया है। अनलॉक को कोरोना संक्रमण समाप्ति का संकेत मानकर भूल कर बैठने की गलती नहीं करें। अब यह जरूरत है कि निर्धारित गाइडलाइन की गंभीरता से पालन करते हुए अपना काम किया करें। मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सभी सुरक्षित रह सकते हैं। राज्यपाल फागू चौहान का कहना है कि शिक्षा में गुणवत्ता एवं आधारभूत संरचना में सुधार के लिए बिहार को केंद्रीय आर्थिक सहायता की नितांत आवश्यकता है। विशेष आर्थिक सहायता से ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मानदंडों को बिहार प्राप्त कर सकता है। निर्धारित समय पर चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह तत्पर है। उसी के आलोक में पटना जिला प्रशासन के द्वारा अभी से सभी तैयारियां शुरू कर दी गई है। इधर चुनाव आयोग के आदेश में सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों और निर्वाची पदाधिकारी को आदर्श आचार संहिता से संबंधित सभी प्रकार की प्रशिक्षण दी गई है। चुनाव की चुनौतियों के बीच अब प्रत्याशियों की सरगर्मी फिर से तेज हो गई है। एनडीए और महागठबंधन कार्यालय का रौनक अभ्यर्थियों ने बढ़ा दिया है। सभी जगह टिकटार्थियों की भीड़ बढ़ने के संकेत मिले हैं। खबरों के इस सफर में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एसडीएफ न्यूज़।